मध्य प्रदेश में ठंड से राहत नहीं मिल रही है। कई इलाकों में पारा गिरने से ठंड बढ़ी है। ग्वालियर में 7 डिग्री और जबलपुर का पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उमरिया और रीवा का पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल और इंदौर का 11-11 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश के जिलों में देखें तो सबसे कम तापमान अभी तक ग्वालियर का दर्ज किया गया है, जो जानकारी अभी तक हमें मिल पा रही है। किस तरीके से लोग अपने आप को बचा रहे हैं विनोद वहां पर? देखिए, अब लोगों ने हम देख रहे हैं कि जब से सर्दी बढ़ी है पिछले 4-5 दिन से, हालांकि थोड़ा सा तापमान में उतार चढ़ाव जरूर आया है। पहले 4.3 डिग्री तक गिर गया था, फिर 7 तक आ गया। तो अब जगह जगह हमें जो व्यक्तिगत अलाव जलाई जाती हैं वो नजर आने लगे हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है लोग गर्म कपड़े पहनना, सर्दी से बचाव करना, धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर आना, वो थोड़ा सा बचाव वाली बात होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है इस बार सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं नगर निगम या जिला प्रशासन को ज्यादा इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है अगले हफ्ते या 2-4 दिन में इस तरह के इंतजाम देखने को मिले। सामान्य तौर पर पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम दिसंबर के लास्ट वीक में इस तरह के इंतजाम शुरू करता है ताकि जनवरी की सर्दी से बचाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद आपका।